माय स्ट्रेंथ। आई होप सो अब तक आपको जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के बीच में काफी हद तक डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि हम कैसे किसको किस तरीके से डील करते हैं। ठीक है, चलिए। एक फर्स्ट ऑर्डर में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था जो डिराइव होना रह गया था। फॉर्मूला नहीं बोल सकते हो, आप बोल सकते हैं एक तरीके से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये काफी हेल्पफुल होता है। तो मुझे पता है किसी भी रेट को मैं माइनस डी ए बाई डी टी को ऐसा लिख सकता हूँ, अगर फर्स्ट ऑर्डर का है तो के ऑफ ए, के ऑफ ए। देखो जनरली मैं आपको बोला रेट कॉन्स्टेंट, हम जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम हम हमेशा रिएक्टेंट का लेते हैं, हमेशा किसका लेते हैं रिएक्टेंट का। अगर वो रिएक्शन का पूछेगा तो उस तरीके से हम डील कर सकते, बट मोस्ट ऑफ द टाइम में हम हमेशा रिएक्टेंट का रेट कॉन्स्टेंट लेंगे। तो ये मैं इस तरीके से डील कर सकता हूँ, यहाँ पे 1/2 हो 3/2 हो उससे मुझे कोई मतलब, बट एक जनरली रेट, क्योंकि रेट ऑफ द रिएक्शन को, अगर मेरा कोई रिएक्शन है ए टेंस टू प्रोडक्ट, ए टेंस टू कोई प्रोडक्ट मेरे रिएक्शन है, तो इसके रेट को मैं इस तरीके से डील कर सकता हूँ अगर ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है तो। ठीक है, चलिए अगर मैं ऐसा मान रहा हूँ, ठीक है, कि माइनस डी ए बाई ए, ठीक है, बाई ए और के ए डी टी। ठीक है, पहले हम आपको याद होगा पहले ये रेट एक्सप्रेशन इस तरीके से लेते हैं, फिर इंटीग्रेशन करते थे, इसी को हम क्या बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। इस मेथड से आप किसी भी ऑर्डर के एक्सप्रेशन आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं 3/2 लिख सकता हूँ, मैं 3 का भी निकाल सकता हूँ, मैं 4 का भी निकाल सकता हूँ। इस मेथड से आप किसी के भी रेट का एक्सप्रेशन आप निकाल सकते हो। आई बात समझ में, जो हमने फॉर्मूला निकाला था K1/T ln A0/T, वो सेकंड ऑर्डर में भी देखना मैं सेम मेथड ही यूज करूंगा। ठीक है, पॉइंट इज दैट यहां तक आपको चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, माय क्वेश्चन इज दैट कि जब हम इंटीग्रेशन करते थे तो मैं ऐसा करता था, यहां 0 से लेकर t लेता था, 0 से लेकर x लेता था। ठीक है, dx / dt को जो हम करते थे इस तरीके से आपको याद होगा। ठीक है, तो मैं ऐसा मान रहा हूं, अब वो हम तब मानते थे कि जब मैंने रिएक्शन के स्टार्टिंग में हमने ऑब्जर्व किया। मैं बोल रहा हूँ मैं रिएक्शन के स्टार्टिंग में ऑब्जर्व ही नहीं कर रहा हूँ, मैं रिएक्शन के बीच से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैं ये सोचा कि अगर एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रिएक्शन के बीच से इसका क्या 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 चीज मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ, वो तो मेरी मर्जी है भैया। रिएक्शन के स्टार्टिंग में चीजों को ऑब्जर्व करना, रिएक्शन के बीच में ऑब्जर्व करना, रिएक्शन के एंड में ऑब्जर्व करना, वो तो ऑब्जर्वेशन आप कभी भी ड्यूरिंग द रिएक्शन कर सकते हो। तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि जब T1 टाइम था तो मेरा लेट्स से कंसंट्रेशन A1 था, और T2 टाइम पे कंसंट्रेशन मेरा क्या हुआ A2 हुआ। ठीक है, T1 टाइम पे मुझे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का A1 मिला, और T2 टाइम पे कंसंट्रेशन क्या मिला A2 मिला। तो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा मुझे ln A1 / A2, ln A1 / A2 मिलेगा। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, KA T2 - T1 ले सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, T2 - T1। मुझे पता है RT इक्वल टू जब 0 था तो R1 मुझे कितना मिला, R सपोज करो R मेरा क्या था, K A0 था, मान लो सब इनिशियल कंसंट्रेशन। कुछ समय के बाद RT बराबर T1 हुआ, तो लेट्स से R1 बराबर कितना हो जाएगा, K A1 हो जाएगा मेरा A1 कंसंट्रेशन, मुझे रेट का एक्सप्रेशन ऐसा मिला रेट। फिर टाइम T2 पे मुझे कितना मिला, R2 बराबर क्या हो जाएगा, K A ऑफ 2, क्योंकि रेट कांस्टेंट तो भैया चेंज होगा नहीं। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो आपको A1 / A2 कितना मिलेगा, A1 / A2 मिलेगा R1 / R2। तो एक फार्मूला ये हुआ, दूसरा फार्मूला का क्या मिल सकता, ln R1 / R2 इज इक्वल टू क्या होगा, K T2 - T1। अगेन अगर वो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दिया हुआ तो आप रिएक्शन का रेट कांस्टेंट यूज करोगे, या रिएक्टेंट का रेट कांस्टेंट दिया तो हम रिएक्टेंट का रेट कांस्टेंट यूज करेंगे। आई बात समझ में सबको, ठीक है, अगर आपको यहां तक सारी बातें समझ में आ चुकी हैं तो एक क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग समझ में आए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हमारा लेवल बढ़ने वाला है, तो प्लीज गाइज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ इस फॉर्मेट में, अगर मैं क्वेश्चन दूं आपको, ठीक है, क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोला था रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 इज 0.04 मोलर पर सेकेंड, 0.04 मोलर पर सेकेंड आफ्टर 10 मिनट, आफ्टर 10 मिनट, After 10 minutes from initiation and it become 0.03 and it become
0.03 मोलर पर सेकेंड आफ्टर 20 मिनट फ्रॉम इनिशिएशन ठीक है। कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। देखो रेट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इतना है 10 मिनट के बाद, मतलब स्टार्टिंग है 10 मिनट में रेट ये था और बाद एंड 0.03 हो गया आगे के और 10 मिनट में, मतलब इनिशियल से लेकर स्टार्टिंग है 20 मिनट में ये है और स्टार्टिंग है 10 मिनट में ये है, मतलब 0 से 10 इतना, 0 से 20 इतना हो गया, मतलब आफ्टर 10 मिनट जस्ट आप तो देख सकते हो ठीक है। पॉइंट इज दैट उसने क्या बोला है मुझसे कि हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, अगर मुझे के पता चलेगा तो मुझे हाफ लाइफ पता चलेगा, तो सेम फॉर्मूला ln क्या मैं यूज कर सकता R1 by R2 is equal to क्या हो जाएगा K T2 minus T1 हो जाएगा, तो ln कितना दिया हुआ R1 0.04 by 0.03 is equal to K 20 minus 10, तो K बराबर आपके कितना हो जाएगा, K बराबर हो जाएगा हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पे K यूज कर रहा हूँ मैं, नॉट A, मैं मान लो कोई रिएक्टेंट क्योंकि उसने ये रिएक्शन का हाफ लाइफ पूछा तो मैं सिंपल K यूज करूंगा, रिएक्शन का रेट कांस्टेंट यूज करूंगा ठीक है। तो यहाँ पे K बराबर कितना हो जाएगा ln 1/10 ln 4/3, ln 4/3 हाफ लाइफ बराबर क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ बराबर हो जाएगा ln 2/k, तो दैट्स नथिंग बट ln 2 डिवाइडेड बाय K कितना हो जाएगा 1/10 ln 2 ln 4/3, इसका आंसर आप कैलकुलेट करके मुझे खुद बताइएगा क्या इसका आंसर कितना है ठीक है। मैं इसको यहीं तक छोड़ रहा हूँ ठीक है, बाकी का पार्ट कैलकुलेशन का है ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक और अच्छा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं हम, द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O गैस at initial pressure of 2 mmHg is 50% complete in 53 minutes, is 53% complete in 53 minutes and 73% complete in 100 minutes, 73% complete in 100 minutes, 73% complete in 100 minutes, what is order and rate constant? First question kya bola, what is order and rate constant, what is order and rate constant? Second kya bol raha hai, how much N2O will decompose in 100 minutes, in 100 minutes if initial pressure is taken is 600 mmHg, is 600 mmHg ठीक है। क्वेश्चन खुद आपको सॉल्व करने, बस मैं एक तरीका बता रहा हूँ ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला भैया, इस पूरे चैप्टर में जो 98% जो क्वेश्चन घूमता है वो फर्स्ट ऑर्डर पे घूमता है, तो हमेशा कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ऑर्डर एंड रेट कांस्टेंट, तो सबसे पहले अप्लाई फर्स्ट ऑर्डर, तो पहले मान लेना कि ऑर्डर क्या मेरा, मान लो लेट ऑर्डर मैंने माना ऑर्डर 1, तो मुझे दिया हुआ 50% के लिए 50 मिनट, मतलब k बराबर कितना दिया हुआ 1/50 into ln 100/50 ठीक है।
और ये K1 हो जाएगा, K2 देख लेना कि K2 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बाय 73% के लिए कितना दिया हुआ है, 73% के लिए 100 दिया हुआ है, ln 100 बाय 73 माइनस 100 माइनस 73 कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 27 हो जाएगा आपका, ये 27 ठीक है, और ये 50। अगर ये दोनों रेशियो K1 बराबर K2 है, इसका मतलब ये क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, और 100% देखना K1 बराबर K2 आएगा, तो इससे आपको क्या पता चलेगा, रेट कांस्टेंट पता चलेगा, तो कैलकुलेट ऑर्डर भी पता चलेगा, रेट कांस्टेंट भी पता चलेगा। यहां तक क्वेश्चन खत्म, ठीक है। हाउ मच H2O विल डीकंपोज इन 100 मिनट इफ इनिशियल प्रेशर इज टेकन, जब आपको रेट कांस्टेंट पता है, टाइम पता है, तो एटी पूछा है, ए नॉट आपको दिया, तो अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, तो आई होप सो ये सब क्वेश्चन आप कर लोगे, बट मैं आपको लॉजिकली बता, अब इसका शॉर्ट टेक्निक मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, कि इस क्वेश्चन को आप कैसे देख के बोल सकते हो कि सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर है या नहीं है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, फ्रैक्शन वगैरह टाइम के क्वेश्चन कर लिया था मैंने, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन और है, ठीक है, यहाँ से थोड़ी चीजें बदल जाएंगी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, कैसे समझिएगा ठीक है, क्या बोला, शो दैट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, शो दैट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, शो दैट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 99% ऑफ द रिएक्शन, 99.9% ऑफ रिएक्शन इज 10 टाइम ऑफ टी हाफ, इज 10 टाइम ऑफ टी हाफ। और ये जेई में पुराना क्वेश्चन आया हुआ, ये जब सब जेई सब्जेक्टिव होता था ना, तब जेई में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो कुछ नहीं, देखो इसको मैं, आप पहले तो क्वेश्चन पॉज करिए, वीडियो पॉज करें, फिर पहले आप खुद से अटेम्प्ट करिए, उसके बाद ही शुरू रहे, ठीक है। अच्छा ना, T99 चल, तो पहले चलो T हाफ, ठीक है, समझो बात को, क्या T हाफ को मैं लिख सकता हूँ ln 2 by K, ठीक है, ln 2 by K लिख सकता हूँ, तो K को मैं क्या लिख सकता हूँ, K को लिख सकता हूँ ln 2 by T हाफ, ठीक है, ln 2 by T हाफ, ठीक है। और मुझे पता है T हाफ बराबर क्या होता है, 1 by K ln 100 by 50, 100 by 50 लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट, 100 by 100 minus x, मतलब परसेंटेज के बेसिस में जाऊँ, ठीक है। और अगर मैं T 99.9% की बात करूँ, तो 1 by K into ln 100 ऊपर 100 minus 99.9, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 by K ln, तो 100 माइनस 0.01 ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000 होते ही मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 by k 3 ln 10, क्या हो जाएगा, 3 ln 10, ठीक है, 3 ln 10 हो गया, और T99.9% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 ln 10 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये इधर आ जाएगा, तो k इधर चला गया, 1 by T 99.9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 into 2.303 into log 10 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। K को मैं क्या लिख सकता हूँ, ln 2, ln 2 मतलब 0.693 by T half is equal to कितना होगा, 1 by T 99.9% into 3 into 2.303 into 1, ठीक है, ये हो गया। अब समझे बात को, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये वैल्यू मुझे कितने मिलेंगे, 1 by T 99.9% into ये हो जाएगा 6.9 0.963 by t हाफ ठीक है इनटू 1 इनटू 0.693 by t हाफ ठीक है जब ये आप इसको कैंसिल करिएगा जब अब ये दोनों कैंसिल हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 10 वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी 10 वैल्यू आएगी ठीक है तो 1 by 10 यहां नीचे आ जाएगा 1 by 10 यहां नीचे आ जाएगा ठीक है 1 by 10 तो 6.93 और 6.9 और 6.9 अप्रोक्सीमेटली कैंसिल हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहां से देखो उल्टा रिवर्स कर दो, तो T99.9% जो होता है 10 टाइम्स ऑफ T हाफ होता है, और ये वैलिड हर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है। आई बस समझे, तो एक इंपॉर्टेंट फार्मूला भी है,
कि टी 99.9% जो होता है वो 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ भी होता है, वो देखने से भी समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो अब यहीं से एक अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है। ठीक है, ठीक है, अब यहां से आपको एक शॉर्टकट बताता हूं मैं। कैसे? जैसे इनिशियली आपने a नॉट लिया था, कितना लिया a नॉट, तो जब पहला t हाफ हुआ ठीक है, इसका मतलब ये कितना परसेंट रिएक्शन हुआ, 50%, तो यहां पे बचेगा कितना, a नॉट बाय 2 बचेगा। अगेन इसका अगर मैं बोला फिर और t हाफ हो रहा है तो अगेन ये कितना होगा, मान लो ये 50 बचा, 50 का और आधा कितना होता है 25, 50 का और आधा कितना होगा 25 बचेगा, अगेन ये 50% ही रिएक्ट कर रहा है इसका, अगेन इसका 50% रिएक्ट कर रहा है, मतलब यहां पे कितना बचेगा a नॉट बाय 4 बचेगा। तो मतलब अगर 2 t हाफ यूज कर लूं, मतलब यहां तक आने के लिए रिएक्शन कितना कंप्लीट हो चुका है, 75%, यहां पे 100%। ठीक है, यहां से यहां आया तो 50% खत्म हुआ, अब इसका आधा होगा 25%, मतलब ये 2 टी हाफ का मतलब ये हुआ कि 75% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए फर्स्ट ऑर्डर में, ये वैल्यू सिर्फ किसके लिए होता है, फर्स्ट ऑर्डर में, क्योंकि इक्वल फ्रैक्शन कंप्लीट होता है इक्वल टाइम में, तो ये आपको पता ही होगा। तो हाफ लाइन, तो इसका 50% a नॉट बाय 2, तो इसका 50% क्या होगा, a नॉट बाय 4 होगा, इसको और 50% में कर दो और टी हाफ कर दो तो क्या होगा, a नॉट बाय 8 होगा, इसका 50% मैं और बोल दूं तो क्या हो जाएगा, a नॉट बाय 16 हो जाएगा, इसका 50% बोल दूं तो कितना हो जाएगा, a नॉट बाय 32 हो जाएगा, इसका और 50% बोल दूं तो मैं कितना हो जाएगा, a नॉट बाय 64 हो जाएगा, a नॉट बाय 64। इसका मतलब ये होगा अगर मैं सिर्फ 1 टी हाफ की बात कर रहा हूं तो रिएक्शन कितना परसेंट कंप्लीट हुआ, 50%, ये अगर मैं 2 टी हाफ बोल दिया, ट्वाइस ऑफ टी हाफ, मतलब रिएक्शन कितना परसेंट कंप्लीट हो चुका है, 50, और बचा 50 का आधा कितना कंप्लीट हुआ, 25, मतलब 75% रिएक्शन आपको कंप्लीट हो चुका है। अगर मैंने 3 टी हाफ यूज कर दिया, इसका मतलब 75 का यूज हुआ, अब बचा यहां पे कितना 25 का आधा कितना होगा, 12.5 यहां बचा। ठीक है, तो मतलब ये कितना हो रहा है, 87.5। अगर मैंने 4 टी हाफ यूज कर दिया तो 87.5 यहां पे जो बचा 12.5 एक दो तीन चार, अब यहाँ पे जो बचा 12.5 बचा, इसका और आधा कितना होगा 6.25, तो मतलब ये कितना होगा 93, ये हो जाएगा 93.75, कितना होगा 93.75% अगर आपको रिएक्शन में बोल रहा है, मतलब कितने टाइम्स है, चार हाफ लाइफ में वो खत्म होगा। ठीक है, और अगर मैं बात कर दूं 5 टी हाफ, तो अगेन मेरा कितना हो जाएगा 6 का और आधा, मतलब जो भी है व्हाटएवर हुआ तो आपको समझ में आएगी होगा, 93.75 का 93.75 और प्लस 6.25 बच रहा था मेरा, 6.25 का और आधा हो जाएगा 3.12, मतलब अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर में कवर कर सकते हो। तो एक बार जी एडवांस में क्वेश्चन आया था, ये ईयर तो मुझे याद नहीं है। ठीक है, एक उसने एक रिएक्शन दिया था जिसका एक तो ग्राफ ये था। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ग्राफ इस तरीके से था, ए प्लस बी। ठीक है, तो B जो फॉलो कर रहा था इस ग्राफ को फॉलो कर रहा था। ठीक है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का B ये फॉलो करता है, और A बोल रहा था कि जो इसका 75% खत्म हो रहा है वो इसके 2 टी हाफ के बराबर का टाइम लग रहा है, कितना 2 टी हाफ के बराबर, तो दोनों का टोटल रिएक्शन का टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। तो आपको पता है अगर ये अगर कंसंट्रेशन और टाइम का ये ग्राफ, इट मींस ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर। आपको याद होगा मैंने आपको पहले भी बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर हमेशा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है हर ग्राफ उसका, और जीरो ऑर्डर में हमेशा क्या होता है, हर ग्राफ लीनियर फॉर्म का होता है। और क्योंकि ये ए क्या बोला 75% 2 टी हाफ में खत्म हो रहा है, ये सिर्फ किस में होता है, फर्स्ट ऑर्डर में। ये फर्स्ट ऑर्डर का ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या था, फर्स्ट ऑर्डर। हालांकि क्वेश्चन बहुत आसान था, उसने थोड़ा ग्राफ के फॉर्म में लंबा दे दिया था, बाकी कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। आई बात समझ सकते हो, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब यहीं से मैं क्या है, एक टाइम डेवलप कर रहा हूं। ठीक है कैसे, टी 50% का मतलब ये हुआ 1 टी हाफ। ठीक है, टी 50% का मतलब 1 टी हाफ, टी 75% आप डायरेक्ट कर सकते हो कितना होगा 2 टी हाफ, टी अगर हम बात करें 89.5%
89.5%, T87.5% होगा 3T half, ठीक है, और T93.75% होगा 4T half, ठीक है। आपको T, अगर आपको रेट कांस्टेंट पता है, इसका मतलब आपको उस रिएक्शन का हाफ लाइफ पता है। हाफ लाइफ पता था, आपको कोई परसेंटेज पूछेगा भाई ये कितना टाइम इतने फर्स्ट टाइम में खत्म होगा, तो हाफ लाइफ पे जस्ट उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मैं बोलूं T90% कितने टाइम में खत्म होगा, एक बार बता, T87 और T93 का एग्जैक्ट बीच वैल्यू होगी, और 2 और 3 का, 3 और 4 का हाफ एग्जैक्ट वैल्यू कितना होगा, 3.33 टी हाफ होगा, इनके बीच का वैल्यू होगा। मतलब मैं लिख सकता हूं 10/3 टाइप्स ऑफ टी हाफ 10/3, 3.33 को लिख सकता हूं मैं, ठीक है। ऐसे ही और क्वेश्चन बन जाए, T99.9% को मैं लिख सकता हूं 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ, और टी मैं लिख सकता हूँ 19, अच्छा सर, T99.9 को 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ लग रहा है, 93 को 40 हाफ, तो अगर मैं बात करूँ T99% को कितना लगेगा, तो इनकी बीच के वैल्यू होगी, तो अब सब आते हैं कितना हो जाएगा, 20/3 टाइम्स ऑफ टी हाफ, या 6.66 टाइम्स ऑफ टी हाफ। तो ये आप, ठीक है, ये चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इनका आपको अगर ये टाइमिंग याद है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, बोले भैया कितने टाइम में T99% खत्म होगा, तो डायरेक्ट अगर आपको हाफ रेट कांस्टेंट है तो 100% रेट कांस्टेंट क्वेश्चन में दिया रहता है, रेट कांस्टेंट पता होता है आपको, हाफ लाइफ पता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, बिल कर दीजिए आंसर डायरेक्टली, मतलब ज्यादा झंझट मुझे करने की जरूरत नहीं, के निकालो, के दिए हाफ लाइफ से, के निकालो, फिर उसके बाद आप वो 1/TLn a0/at, जरूरत नहीं उन सब चीजों को यूज करने के लिए, वो सब बोर्ड पैटर्न के लिए ठीक है, बट इन द एमसीक्यू आप मोस्ट प्रोबेबली इन चीजों को याद रखिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए बहुत ज्यादा किफायती और शॉर्टकट टेक्निक है, ठीक है। अब जैसे सपोज करो, यहाँ पे क्वेश्चन में हर बच्चे से पूछता हूँ कि मान लो अगर जीरो ऑर्डर रहता, ठीक है, मैंने बोला कि 50% रिएक्शन खत्म हो रहा है, सपोज करो 10 मिनट में, कितने मिनट में, 10 मिनट में जीरो ऑर्डर के लिए, तो आप ये बताइए 25% रिएक्शन कितने टाइम में खत्म होगा, सोचिए उसका आधा, एग्जैक्ट आधा होगा, बराबर सही बोला, उसका कितना होगा, एग्जैक्ट हाफ होगा, इसका मतलब कितना होगा, सोचिए कितना होगा, 50% का आधा, मतलब 10 मिनट है तो 5 मिनट में हो जाएगा। और अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी ये बात बोलूं कि अगर हाफ लाइफ आपका 10 मिनट में है, अगर आपको 50% रिएक्शन जो कंप्लीट हो रहा है वो आपका 10 मिनट में है, तो उसका 25% रिएक्शन कितने मिनट में कंप्लीट होगा, क्या इसका भी आंसर 5 होगा, नहीं होगा, इसका आंसर 5 कभी भी नहीं हो सकता। इसका एक रीजन ये है, आपको याद होगा कि ये जो ग्राफ होता है एक्सपोनेंशियली फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, एक्सपोनेंशियल, तो रेट टाइम के साथ क्या होते जाता है, घटते जाता है, रेट टाइम के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है, तो जब रेट टाइम के साथ घट रहा है, स्टार्टिंग का जो मान लो जो 30 मिनट होगा 25% होगा, और बाद का 25%, तो कौन सा टाइम ज्यादा होगा, ऑब्वियस अगर बाद का 25% ज्यादा होगा, स्टार्टिंग का 25% क्या होगा, कम होगा, इसका मतलब आप 5 मिनट से वैल्यू क्या रहेगी, थोड़ी कम रहेगी, तो याद रखना। तो T25% में डायरेक्ट लिख देता हूँ, T25% जो होगा हाफ लाइफ का जो इक्वेशन होगा वो एग्जैक्टली 0.415 टाइम्स ऑफ हाफ होता है, ठीक है। तो इन सब बातों को क्या करिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और एक और शॉर्टकट मैं आपको देता हूँ इनमें सॉल्व करने के लिए, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो चैप्टर की, ठीक है। जैसे मुझे पता है फॉर्मूला जनरली क्या होता है, K1/TLn a0/at ये होता है, बट ट्राई करिए इस फॉर्मूला को नहीं यूज करने का, क्यों, ठीक है, इसको मैं एक शॉर्टकट के फॉर्म में बनाता हूँ, एसएस टेक्निक के फॉर्म में, ठीक है। शॉर्टकट क्या होगा, ये पहले मैं लिख देता हूं, इफ इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशन इज गिवन, इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशन इज गिवन इन द प्रॉब्लम, गिवन इन द प्रॉब्लम, देन कैलकुलेट रेशियो ऑफ, देन कैलकुलेट रेशियो ऑफ इनिशियल
हमेशा याद रखिएगा, अगर फाइनल इनिशियल कंसंट्रेशन आपको सपोज करो दिया हुआ है तो ए नॉट बाय 80 करके देखो, ये हमेशा 2 के रेंज में आएगा आंसर, ये मतलब जो होगा 2 के मल्टीपल में होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो n होता है ये होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, क्या होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ठीक है। अब आप इसको क्या कर सकते हो, अगर n को t हाफ से मल्टीप्लाई किया तो आपको कोई भी गिवन टाइम मिल जाएगा, जस्ट सेम लाइफ, सेम इस तरीके से। अगर a नॉट बाई 80 मैक्सिमम देखो, जे मेंस में क्या होता है a नॉट बाई 80 का जो रेशियो होगा, या नीट में भी a नॉट बाई 80 का रेशियो हमेशा 2 के मल्टीपल में रहेगा। तो अगर आपको हाफ लाइफ पता है तो आपको k पूछ सकता है, या तो k पूछेगा, तो हाफ लाइफ पूछेगा, या तो गिवन टाइम पूछेगा। a नॉट बाई 80 आपको अगर पता है तो, नहीं तो सेकंड प्रॉब्लम में क्या होता है कभी कभी हाफ लाइफ देता है आपको, ठीक है, या t गिवन देगा या रेट कांस्टेंट देगा। हाफ लाइफ दिया मतलब रेट कांस्टेंट दिया, रेट कांस्टेंट दिया मतलब हाफ लाइफ दिया, दोनों बात एक ही है। या तो अगर गिवन टाइम दे दिया और बोल रहा है कि भैया व्हाट इज द फाइनल कंसंट्रेशन या इनिशियल कंसंट्रेशन, तो फाइनल कंसंट्रेशन को क्या कर दोगे आप, फाइनल कंसंट्रेशन को a नॉट बाय 2 का पावर n से कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो दोनों में से कुछ कोई भी दे, आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते, आप उल्टा भी जा सकते हो, अगर आपको ये दिया हुआ 2 का पावर n को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फाइनल कंसंट्रेशन आप क्या कर सकते हो, फाइनल कंसंट्रेशन आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, समझ में आई बात सबको, हाँ या ना, इज दैट क्लियर। तो फाइनल इनिशियल कंसंट्रेशन 2 का पावर n से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि यहां से n कैसे पता चलेगा, हाफ लाइफ ऑफ गिवन टाइम को आप मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। डोंट वरी, अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो क्वेश्चन करेंगे आपको, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये बहुत शॉर्टकट टेक्निक सही है, ठीक है मेरे, जिससे आप इजीली क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है मेरा, इन अ पर्टिकुलर, इन अ पर्टिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम 512 molar to 128 molar, 512 molar to 128 molar in 40 minutes, ठीक है। कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, हाफ लाइफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर टू आवर। इसमें पहला है आफ्टर वन आवर, सेकंड है आफ्टर 2 आवर, एक घंटे के बाद या 2 घंटे बाद कितना होगा। देखो बहुत ज़्यादा हमें घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है, जब क्योंकि ये पहले क्वेश्चन पे बेस्ड है, इनिशियल फाइनल कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा इनिशियल को फाइनल से डिवाइड कर दूंगा। तो कितने टाइम्स में जाएगा सोचिए, मेरे हिसाब से तो 4 टाइम्स में ये चला जाएगा, कितने टाइम्स में 4 टाइम्स। और इसको 2 का पावर n से कंपेरिजन करो तो n बराबर कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। उसने क्या पूछा, रेट कांस्टेंट पूछा, हाफ लाइफ पूछा, फाइनल कंसंट्रेशन, बहुत आसान है क्योंकि मुझे पता है n इनटू t हाफ बराबर कितना हो जाएगा, t गिवन हो जाएगा, ठीक है। t गिवन उसने कितना दिया, 40 मिनट्स दिया हुआ, 40 इनटू हाफ लाइफ इनटू 2, तो दिस कितना, तो हाफ लाइफ आपका कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। हाफ लाइफ 20 है तो रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा, ln 2 / 20, फिलहाल मैं इतना ही लिखता हूं, ln 2 / 20 आपका क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट हो जाएगा, रेट कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। एंड अच्छा सॉरी, इनिशियल रेट पूछा, नॉट माय मिस्टेक, यहाँ पे उसने इनिशियल रेट पूछा है, क्या पूछा, इनिशियल रेट, आर बराबर क्या हो जाएगा, के, आर बराबर क्या हो जाएगा आपका, के हो जाएगा।
यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, आर बराबर क्या हो जाएगा के, अब यहाँ पे ए क्या यूज करोगे, इनिशियल मतलब तो इनिशियल कंसंट्रेशन यूज करना, और एल एन टू बाय 20 इंटू इनिशियल रेट कितना है 5/18, तो ये आपका क्या हो जाएगा इनिशियल रेट हो जाएगा। तो यहाँ तक सब चीजें आपको क्या हो चुके होंगे, क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, 5/12 है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन खत्म मेरा। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, क्या बोला, कैलकुलेट फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर 1 आवर। ठीक है, देखो बहुत सारे बच्चे क्या कर होंगे, के पता होगा, 1/T आपको दिया हुआ है, ए नॉट आपको 512, 80 वहां से निकालोगे। देखो कोई बच्चा अगर ये फॉर्मूला यूज कर रहा है ln ए नॉट बाय 80, ठीक है, के आपको दिया हुआ है, यहां से मैंने निकाला के की वैल्यू कितनी इतनी है। ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ, 1 आवर मतलब 60 मिनट्स दिया हुआ। ठीक है, ए नॉट आपको 512, 80 निकालना, कोई गलत बात नहीं है इसमें। ठीक है, दैट चॉइसेस योर, आपको यूज करना, अगर आपको इस मेथड में कंफर्टेबल हो तो ये मेथड यूज करो, अदरवाइज ठीक है, अदरवाइज। अब देखो 1 आवर का मतलब ये हुआ 60 मिनट्स, 60 मिनट मतलब कितने हाफ लाइफ हो गए, 3 हाफ लाइफ हो गए, कितने हो गए, 3 हाफ लाइफ हो गए आपको, यहाँ तक बात समझ में आए। ठीक है, अब आपको ये पता है कि n की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, 3 हाफ लाइफ, मतलब 50% खत्म हो चुका है, मतलब 512 का आधा हो चुका होगा, 512 का आधा कितना होता है 256, कितना हो चुका होगा 256 एक हाफ लाइफ में। ठीक है, अगेन फिर से आधा करोगे तो कितना होगा, 128, ये दूसरा हाफ लाइफ में खत्म हो जाएगा, और हाफ लाइफ एक यूज का, एक और इसका 50% कितना हो जाएगा, इस थर्ड हाफ लाइफ में ये हो जाएगा आपका 64, तो 64 कंसंट्रेशन हो गया। वैसे ही अगर उसने बोला 2 आवर, 2 आवर का मतलब कितना हुआ, 120 मिनट, 120 मिनट का 60 से डिवाइड करोगे तो n पता चल जाएगा, n मतलब कितना होगा, जल्दी बोलो n मतलब कितना होगा, n मतलब हो जाएगा 20 मतलब 6 टाइम्स t हाफ हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 का पावर n, आप ऐसे भी कर सकते हो, या तो आप ऐसा चलो, नहीं तो आप सोचो फाइनल कंसंट्रेशन बराबर क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 कितना होता है, 2 × 4 = 8 × 16 × 32 = 64, 512/64। ठीक है, तो ये कितने टाइम्स में चला जाएगा, देखो एट टाइम्स में चला जाएगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन फाइनल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आप नहीं समझ में आता ऐसे भी कर सकते हो, देखो 60 हाफ का मतलब 1, 2, 3, ठीक है, चौथा टी हाफ में कितना हो जाएगा इसका 32, पांचवा टी हाफ में इसका कितना हो जाएगा 16, और छठा टी हाफ में इसका कितना हो जाएगा 8। तो आप ऐसे जाओ दैट चॉइस इज ओवर, मैंने दोनों मेथड आपको बता दिए। ठीक है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ काउंट करो, कितने देर में क्या होगा फाइनल कंसंट्रेशन, पहले देखो टाइम का हाफ लाइफ से कोई रिलेशन मिल रहा है कि नहीं, हमेशा पहले फाइंड आउट करो, पहले तो हमेशा क्वेश्चन देख के फाइंड आउट करो, क्योंकि क्वेश्चन तो मैक्सिमम फर्स्ट ऑर्डर के रहता है आपका, हमेशा रेशियो, पहले रेशियो देखो, रेशियो में कितना मिल रहा है, रेशियो अगर 2 के मल्टीपल में है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो ये देखो गिवन टाइम में जो फाइनल कंसंट्रेशन पूछा उस गिवन टाइम का हाफ लाइफ से क्या रिलेशन, कुछ रिलेशन मिल पा रहा है, अगर इनकेस नहीं मिल पा रहा तो अपना जो नॉर्मल फॉर्मूला है k = 1/t ln a0/80 वो तो है यूनिवर्सल फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो आप कभी भी अप्लाई कर ही सकते हो, बट अगर आपको चांसेस है इन मेथड्स को यूज करने को तो आई ऑलवेज प्रेफर कि आप ये मेथड सब यूज करिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑर्डर क्या हो चुका है भैया, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ठीक, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पोर्शन जो है हमारा वो है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, देखो फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, रेट जो था कंसंट्रेशन का पावर 1 पे डिपेंड करता था, जीरो ऑर्डर में नहीं डिपेंड करता था, सेकंड ऑर्डर में पावर 2 पे डिपेंड करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, सो डेफिनेशन लिखते थे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन सेकंड पावर ऑफ कंसंट्रेशन, सेकंड पावर ऑफ कंसंट्रेशन, सेकंड पावर ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बेटा, दो तरीके से हो सकते, देखो दो तरीके से, कैसे, मान लो इसमें या तो हो सकता है एक सिंगल रिएक्टेंट हो उसी का पावर 2 दे दिया हो, या हो सकता है दो रिएक्टेंट हो फर्स्ट ऑर्डर के, तो भी तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, सेकंड ही होगा, तो इसमें दो तरीके से मेथडोलॉजी होता है। ठीक है, ये मैं अलग अलग समझा रहा हूँ। ठीक है, पहला
पहला है ए टेंस टू प्रोडक्ट, ए टेंस टू प्रोडक्ट, ठीक है, इसका ऐसे समझाता हूँ, ठीक है। दूसरा होगा ए प्लस बी टेंस टू प्रोडक्ट, ए प्लस बी टेंस टू प्रोडक्ट, ठीक है। अगर ये वाला मेथड है मतलब मैं डायरेक्ट रेट ला एक्सप्रेशन ऐसा लिख सकता हूँ ए टेंस टू के ए स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या होगा, टी इनिशियल अगेन क्या होगा ए नॉट होगा, और t इक्वल टू टी पे क्या होगा a नॉट माइनस x होगा और ये x होगा, ठीक है। मुझे पता चाहे पावर स्टोइकोमेट्री जो भी हो, व्हाटएवर स्टोइकोमेट्री, उससे कोई मतलब नहीं। फाइनली क्या बराबर आता है, -dA / -R बराबर क्या था, -dA / dt, और ये हमेशा +dx / dt के बराबर आता है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, k a के स्क्वायर के बराबर लिख सकता हूं, सेम मेथड। तो dx / dt किसके बराबर लिख सकता हूं मैं, k a नॉट माइनस x, क्योंकि जब ये अरे रेट को आप dx / dt के फॉर्म में लिख रहे हो तो हमेशा कंसंट्रेशन भी हम x के फॉर्म में लिखेंगे। यहां तक समझ में, चलो अब यहां पे क्या होता है, दो मेथड होता है, ठीक है। दो मेथड इसलिए होता है बेटा, या तो दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो या तो दोनों का कंसंट्रेशन डिफरेंट हो, डिफरेंट हो तब चीजें बदल जाएंगी, ठीक है। हालांकि मेथड तो बहुत सारे होते हैं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तीन भी दे सकता हूं, हो सकता है मैं तीन दे दूं, मैं बोलूं भाई ये माइनस वन का है, ये प्लस वन ऑर्डर का और ये सेकंड ऑर्डर का, तब भी तो ओवरऑल आपका ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, सेकंड होगा। मैं ये कर दूं, ये वन वन कर दूं, ये जीरो कर दूं, तो भी आपको ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, सेकंड। मेथड बहुत है, बट मैं कॉमन मेथडोलॉजी बता रहा हूँ कि आप इन टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करोगे। तो पहले ये चेक करो, अगर दो रिएक्टेंट या तीन रिएक्टेंट इनका इनिशियल कंसंट्रेशन सेम है या नहीं है। तो अगर मैं इसमें दो केस बनते हैं, केस वन और केस टू, कंसंट्रेशन ऑफ बोथ, कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ठीक है, ठीक है, दूसरा सर सेकेंड, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी, ए एंड बी, कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर सेम, कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर सेम, ठीक है। ए प्लस बी टेंस टू प्रोडक्ट हो चुका है, ठीक है। मान लो ए प्लस बी टेंस टू प्रोडक्ट, ए केस वन की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये भी ए नॉट हो गया और ये भी ए नॉट हो गया, तो ए नॉट माइनस एक्स हो जाएगा, ये भी ए नॉट माइनस एक्स हो जाएगा। तो रेट वाले मतलब टी इक्वल टू जीरो पे और ये टी इक्वल टू, अच्छा एक बात और, नीट वाले प्लीज आप स्किप कर सकते हो सेकंड ऑर्डर, ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, तो यू कैन लीव दैट क्वेश्चन। बस अगर याद रखना तो बस खाली फॉर्मुला याद रखना, डेरिवेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ फॉर्मुला याद रखना जो लास्ट का मैं फॉर्मुला दूंगा, ठीक है। आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर को मैं लिख सकता हूँ माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी बी बाई डी टी, ठीक है। और रेट जो होगा किसके बराबर होगा, के ए का पावर वन और बी का पावर वन, क्योंकि रेट का एक्सप्रेशन में मैंने क्या बोला, ये भी फर्स्ट ऑर्डर, ये भी फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर का होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो सकता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, के दोनों बराबर किसके होगा, dx / dt, ये हमने पहले चेक कर चुके थे रेट का एक्सप्रेशन में कि dx / dt होता है सबके वैल्यू a नॉट माइनस x / अगर आप चेक भी करोगे तो a नॉट माइनस x माइनस ऑफ a नॉट / dt, तो a नॉट a नॉट कैंसिल हो जाता है, अगेन dx / dt आएगा। यहां पे भी देखो p, यहां पे भी a नॉट माइनस x माइनस a नॉट, तो अगेन यहां पे क्या आएगा dx / dt, और ये किसके ऊपर a नॉट माइनस x कर दूं और ये भी a नॉट माइनस x, a नॉट माइनस x का होल स्क्वायर, ये केस और ये केस क्या हो जाएगा फिर सेम हो जाएगा, ये केस और ये केस क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों केस में फार्मूला दोनों का क्या आएगा सेम आएगा, बट यहां ऐसा नहीं है, अगर a प्लस b टेंड्स टू प्रोडक्ट है। अब इस केस में क्या होगा, इफ कंसंट्रेशन डिफरेंट, दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, मतलब ये a नॉट और ये b नॉट है t इक्वल टू t में, तब ये देखो ये दोनों का रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो चुका है, डिफरेंट हो चुका है। तो t इक्वल टू t पे, जीरो पे, t इक्वल टू t पे कितना होगा, t इक्वल टू t पे क्या होगा मेरा, a नॉट माइनस x होगा और b नॉट माइनस x हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब r बराबर क्या लिख सकता हूं, माइनस dA / dt, अगेन माइनस dB / dt लिख सकता हूं, इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, k a का पावर 1 b का पावर 1, तो इसको मैं लिख सकता हूं ओवरऑल dx / dt किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा a नॉट माइनस x और b नॉट माइनस x, यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इन दोनों के लिए जो मैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड यूज करूंगा, इस ऑब्वियस इसका फार्मूला अलग आएगा, इसका फार्मूला अलग आएगा, तो चलो ये मेरे लिए दोनों का केस सेम है,
तो केस वन की बात करता हूँ, dx by dt बराबर क्या हो जाएगा मेरा, ये बराबर हो जाएगा k a नॉट माइनस x का होल स्क्वायर। तो dx by dt a नॉट माइनस x इक्वल टू k dt। अगेन फिर आप क्या करोगे इंटीग्रेशन मेथड, देखो एक एग्जांपल आप बोलोगे सर यही मेथड, क्योंकि इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इस मेथड से हम रेट का मतलब एक तरीके से बोलते हैं के और टी के बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं, इस मेथड को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। तो यहाँ पे मैं कोई भी पावर का, अब मैं यहाँ पे 3/2 भी दे सकता हूँ, तो अगेन आपका यहाँ पे क्या आएगा dx by dt, अगेन यहाँ पे आएगा a नॉट माइनस x का पावर 3/2, 1/2, 4, किसी भी ऑर्डर का रहेगा, बस आपको क्या करना लास्ट में इंटीग्रेशन करना है। सेम मेथड 0 से लेकर t तक और 0 से लेकर x तक। आई बात समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो मैं बताओ अब इसका इंटीग्रेशन मैं कैसे करूंगा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/a0 - x। तो ये देखो ये at भी हो सकता है, ये at भी हो सकता है और ये मेरा bt भी हो सकता है, वही सेम मेथड a0 - x कंसीडरेशन ऑफ टाइम t, a0 - x, 1 - a0। तो ये इंटीग्रेशन आपको आता है, मैं इतना मान के चल रहा हूँ, ठीक है, सॉरी डायरेक्ट कर दिया मैंने। ये हो जाएगा 1/a0 - x 0 से लेकर x तक, और ये हो जाएगा kt 0 से लेकर t तक, ठीक है। तो जब ये वैल्यू पुट करता हूं तो 1/a0 - x माइनस 1 - a0 इज इक्वल टू kt, पहला फॉर्मूला आपका ये बनता है। या तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, 1/at - 1/a0 इक्वल टू kt। आई बात समझ में? आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी को मैं अगर रीअरेंज फॉर्म में लिखूं तो ये बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, k 1/t into x by a0 - x। ये फॉर्मूला भी इसी से आते, क्यों देखो a0 इधर चला गया, a0 - x, a0 कैंसिल हो जाएगा तो x ऊपर बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a0 - x, तो ये इसी का रीअरेंज फॉर्म है, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है इसका, इसका अगर मैं हाफ लाइफ की बात करूं, टीएलटी, हाफ लाइफ में मतलब यह हो कि एटी आपका क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है, एटी जीरो हो, एटी बराबर क्या हो चुका है आपका, एटी बराबर सॉरी हाफ लाइफ में ए नॉट की वैल्यू एक्स के बराबर हो चुकी है, ए नॉट की वैल्यू किसके बराबर हो चुकी है, x की वैल्यू किसके बराबर हो चुकी है, a नॉट मतलब पूरा का पूरा क्या हो चुका, खत्म हो चुका। और समथिंग बाय दिस क्या होता है, इनफिनिटी, 1/0 मतलब क्या होता है, इनफिनिटी से कुछ भी सबट्रैक्ट करो तो इनफिनिटी, तो इसका मतलब या तो k इनफिनिटी होगा या तो t इनफिनिटी होगा, k इनफिनिट होने सकता तो बचा क्या आपका t, तो t इनफिनिट होता, तो प्रैक्टिकली ये भी इनफिनिट ही होता है, तो सेकंड ऑर्डर भी फर्स्ट ऑर्डर के जैसे कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। तो एक बात याद रखना, जिस फॉर्मूले में k और t इनवर्स रिलेशनशिप शो करते हैं, समझ लेना उस फॉर्मूला उस रिएक्शन का या उस ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्शन का हमेशा लाइफ टाइम क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया, ठीक है। अब जो सेकंड चीज मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं, हाफ लाइफ, ये फर्स्ट ऑर्डर का ही है, हाफ लाइफ और टीएलटी दोनों के लिए सेम ही आएगा, ठीक है। अब हाफ लाइफ के लिए क्या होगा, x बराबर a0/2 हो जाएगा, x बराबर a0/2 कर दूंगा मैं, तो यहां पे आपको क्या बचेगा, k बराबर क्या आ जाएगा, 1/t half into x बराबर क्या हो जाएगा, a0 by 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, a0 by 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये फॉर्मूला आएगा, t half बराबर हो जाएगा 1/k a0, ठीक है। अब एक बात देखो, अगर मैं यहां बात करूं जीरो ऑर्डर के लिए मेरा क्या था, t half बराबर क्या था, a0/2 के था। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था मेरा, t half बराबर कितना था, t half बराबर था आपका ln2/k था। और सेकंड ऑर्डर के लिए कितना था, सेकंड ऑर्डर के लिए t half बराबर क्या आ रहा है, a0 1/k a0। तो nth ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, तो क्या t half जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a0 के पावर 1 माइनस n है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको आप याद रखिए। आपको इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ लाइफ के साथ किसी भी ऑर्डर का रिलेशन, देखो 1 पुट कर 1 माइनस n, तो a0 का पावर 0 मतलब ऑब्वियस है, मतलब हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का
कभी भी इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। जीरो ऑर्डर पुट कर मतलब हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर मतलब जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड मतलब डायरेक्टली डिपेंड करता है। लेकिन सेकंड ऑर्डर में क्या होता है, सेकंड ऑर्डर में आगे नहीं क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाता है, इंडिपेंडेंट मतलब इनवर्स रिलेशन शो करता है। वही अगर 3 पुट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा -1 पर किस पर डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो nth ऑर्डर में आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था मेरा सेकंड ऑर्डर का, ठीक है, ये पहला बिट था मेरा, ठीक है। अगर मैं इसको रफ कर देता हूं, सपोज करो आपने उतार लिया होगा, पार्ट टू वाला जो है जो डिफरेंट कंसंट्रेशन रहेगा a नॉट जब dx by dt बराबर a नॉट माइनस k into a नॉट माइनस x और b नॉट माइनस x, वो वाला डेरिवेशन अभी करेंगे, बट फिलहाल ग्राफ इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। ग्राफ तो सबके सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ इस तरीके से हैं, ठीक है। अच्छा, आपके लिए होमवर्क ये होगा, अल्फा का रिलेशन क्या होगा, आपको मुझे अल्फा का रिलेशन बताना सेकंड ऑर्डर के लिए, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि x by a नॉट ही होता है, x by a नॉट होता है, I completely agree with this point, but अल्फा का आपको फॉर्मूला डिराइव करके बताना सेकंड ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क आएगा मेरी तरफ से, स्पेशली जे एडवांस नीट वाले क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, उनके लिए कोई जरूरत नहीं है, बट जे एडवांस को लिए अल्फा देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैंने जीरो ऑर्डर के लिए बताया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए बताया, सेम मेथडोलॉजी आपको यहाँ पे भी करनी है, बट कैसे निकालोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो पहला ग्राफ जो है मेरा रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का है, ठीक है। सेकंड ग्राफ है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का स्क्वायर मतलब रिएक्टेंट का, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ही है ये, ठीक है, ये भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अच्छा वैसे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट एक कंसंट्रेशन, क्योंकि रेट वर्सेस कंसंट्रेशन आपको पता ही है क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो रिएक्टेंट की ही बात होती है, ऑब्वियस बात है, मैं नहीं बिल्कुल, तो ये नॉन बात है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का, और 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का, हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन का, और अल्फा वर्सेस कंसंट्रेशन, ये आपका होमवर्क का गेम, जी एडवांस वाले प्लीज ट्राई करिएगा, ठीक है। बाकी आपके लिए रेट वर्सेस कंसंट्रेशन फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू के स्क्वायर मतलब ऑब्वियस वाई इक्वल टू एमएक्स स्क्वायर, मतलब ये क्या होगा पैराबोला का, नीट वाले बिल्कुल छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं, इसको वजह पहले से रिविजन करिए हो जाता, बट ग्राफिक ग्राफ आप देख सकते हैं नीट वाले, ठीक है। वाई इक्वल टू एमएक्स स्क्वायर मतलब ये क्या होगा, इस तरीके से होगा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो 1/80 बराबर क्या होगा, 1 - a0 = kt। तो ये ग्राफ कैसा रहेगा, जल्दी बताओ ये ग्राफ कैसा रहेगा, ऑब्वियस बात है इनवर्स रिलेशन शो कर रहा है, इनवर्स रिलेशन शो कर रहा है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा। तो देखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम का फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर दोनों के लिए सेम ही है, कर्वेचर नेचर है, बट फर्क क्या, फर्क डिफरेंस आपको मुझे होमवर्क बताना है कि इस दो ग्राफ में मतलब फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का ग्राफ ऑलमोस्ट क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, बट दोनों ग्राफ में चलो होमवर्क क्या आपको मैं भी बता देता हूं डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑर्डर का जो ग्राफ होता था वो एक्सपोनेंशियल होता था, बट ये नॉन एक्सपोनेंशियल रहेगा, ये कैसा रहेगा, नॉन एक्सपोनेंशियल रहेगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखिए, नॉन एक्सपोनेंशियल रहेगा। 1 बाय कंसंट्रेशन वर्सेस रिएक्टेंट का मतलब ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाय a0 से स्टार्ट होगा, कहां से होगा ग्राफ, 1 बाय a0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, टाइम का, और हाफ लाइफ वर्सेस टाइम का अगेन क्या रहेगा कंसंट्रेशन का, क्योंकि ये कैसा रिलेशन शो कर रहा है, इनवर्स रिलेशन शो कर रहा है, तो चलो ये मैं लेता हूं 1 बाय इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ये कुल ग्राफ ऐसा रहेगा, ठीक है। आपको बताना हाफ लाइफ, दो ग्राफ बताना, हाफ लाइफ का वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन का, ठीक है, ये दो ग्राफ और ये डेरिवेशन आपके लिए होमवर्क में मैं देके जा रहा हूँ, मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इतना एटलीस्ट सॉल्व कर लोगे, जहां तक थोड़ी बहुत मेरी इज्जत रख दोगे,
ठीक है, चलो इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। चलो ठीक है, नेक्स्ट थिंग मैं आ रहा हूँ। ठीक है, सेकेंड टाइप का जो मेरा इक्वेशन था वो क्या बना था, डीएक्स बाई डी टी के ए नॉट माइनस एक्स और बी नॉट माइनस एक्स। ठीक है, तो डीएक्स बाई क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस एक्स बी नॉट माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, के डी टी हो जाएगा। इसको अगेन इंटीग्रेट करूंगा जीरो से लेकर टी तक और जीरो से लेकर एक्स तक। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन आई होप सो मैथमेटिक्स वाले जानते हो कि पार्शियल फ्रैक्शन वाले मेथड से हम करेंगे। तो 1 बाय बी माइनस ए अगर मैं यहाँ लिखूँ और इसका इंटीग्रेशन करता हूँ इस तरीके से 0 से लेकर x तक, 1 बाय ए नॉट माइनस एक्स, 1 बाय ए नॉट माइनस एक्स और 1 बाय बी नॉट माइनस एक्स। ठीक है, 1 बाय बी नॉट माइनस एक्स और इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी। इसका इंटीग्रेशन तो के टी हो जाएगा। चलो अब इसके इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो 1 बाय बी माइनस ए इसके इंटीग्रेशन में क्या लिखूंगा मैं, जल्दी बोलो, माइनस एल एन ए नॉट माइनस एक्स प्लस एल एन ए नॉट। ठीक है, माइनस माइनस अगेन क्या हो जाएगा, प्लस एल एन बी नॉट माइनस एक्स, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एल एन बी नॉट हो जाएगा, माइनस एल एन बी नॉट हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ जाएगा, जीरो से लेकर एक्स तक, अगेन क्या आ जाएगा, के टी आ जाएगा। ठीक है, अगेन जीरो से एक्स पुट करूंगा तो 1 बाय बी माइनस से, तो ये हो जाएगा मेरा उसे इधर पुट करने के बाद ही आया ना शायद, सॉरी। अच्छा, मैंने डायरेक्ट जंप कर दिया, ये माय मिस्टेक, ये जंप कर दिया मैंने, प्लस एल एन बी नॉट माइनस एक्स, इसको जीरो से लेकर एक्स। अब जीरो से लेकर एक्स पुट करेंगे तब ये उसके बाद ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, एल एन माइनस एल एन ए नॉट माइनस एक्स प्लस एल एन ए नॉट। ठीक है, प्लस एल एन बी नॉट माइनस एक्स माइनस एल एन बी नॉट। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, के टी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब ये के टी के बराबर हो जाएगा क्या, अब मैं इसको लिख सकता हूँ के को 1 बाय टी इंटू 1 बाय बी माइनस ए एल एन ऑफ। ठीक है, चलो अब इसको मैं रीअरेंज कर सकता हूँ, रीअरेंज करके मैं क्या कर सकता हूँ, ए नॉट बी नॉट माइनस एक्स, ए नॉट बी नॉट माइनस एक्स, ये वाला इधर ले जाओ और माइनस माइनस वाला नीचे ले जाऊंगा मैं, तो मैं लिख सकता हूँ बी नॉट एल एन बी नॉट ए नॉट माइनस एक्स। इस इक्वेशन को जब रीअरेंज करोगे तो आपको कुछ इक्वेशन इस तरीके से मिलेगा। तो ये आपका किसका हो जा रहा है, सेकंड ऑर्डर के इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर k / t 1 / b - a ln a नॉट - x b नॉट - x। ठीक है, अच्छा सपोज करो अगर मैंने बोला कि a नॉट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन b नॉट, सपोज करो मैंने अगर बोल दिया b जो होगा, ठीक है, बहुत बड़ा है a से, लेट्स से b जो होगा मेरा बहुत बड़ा है a से, ऐसा मैं सपोज कर रहा हूं, तो b माइनस ए किसके बराबर, ऐसा सपोज करो मैं ऐसा कर लिया कि b इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, मैंने ऐसा माना कि कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है a से, तो b माइनस ए भी कैंसिल करता हूं तो b माइनस ए b के बराबर हो जाएगा और b माइनस x भी b के बराबर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला किस तरीके से निकलेगा ये भी आपको मुझे बताना है कि अगर मैंने सपोज करो मैंने ऐसा माना कि b ग्रेटर देन a तो इस फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा ये भी आपको मुझे होमवर्क में बताना है। ठीक है, बाकी अगर आपने कर लिया तो वेल एंड गुड है, तो ये आपको थोड़ा बहुत चीजें क्या है होमवर्क है, कल हम सूडो ऑर्डर रिएक्शन देखेंगे और आपको एनथ ऑर्डर दिखाऊंगा। और मैंने आपको याद है एक चीज बताया था कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल मेथड से हम कैसे निकालते हैं, तो वो भी कल हम डिस्कशन करेंगे बहुत डिटेल में। कल का टॉपिक काफी मजेदार होने वाला है कि आपको ये प्रैक्टिकली पता चलेगा। एक मेथड, दो तीन मेथड तो मैंने आपको बता दिए, पहला मेथड ग्राफिकल मेथड, जो ये सब ग्राफ है ये ग्राफ देख के भी हम ऑर्डर पता कर सकते हैं पहला। दूसरा मेथड हम पता कर सकते हैं हाफ लाइफ से भी पता कर सकते हैं, जो एनथ ऑर्डर से मैंने दिया तो हाफ लाइफ से आपको पता चला। दो तीन मेथड तो मैंने आपको बता दिया, कुछ मेथड आपको डिस्कशन करना है। ठीक है, तो बाकी चीजें कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।